आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, एसीएस होम श्री आमिर सुबानी जी, पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार, आर के महाजन साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री अनिल कुमार जी, अन्य सारे वरीय आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस पदाधिकारीगण यहाँ इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, बिहार सरकार का शराबबंदी का फैसला एक क्रांतिकारी फैसला है, एक आध्यात्मिक फैसला है, जिससे समाज में एक बहुत बड़ी शांति से एक क्रांति हो रही है। शांति, सद्भाव, एकता, अपराध में कमी, पारिवारिक विघटन में कमी, दुर्घटना में कमी, आम आदमी की चेतना के स्तर में वृद्धि, इसके स्पष्ट लाभ दिखाई पड़ते हैं। राज्य में शराबबंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु नई उत्पाद नीति के तहत राज्य सरकार के द्वारा कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जैसे जिला मुख्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र और चिकित्सा के साथ साथ परामर्श की व्यवस्था की गई है, मुख्यालय स्तर पर लोक आसूचना केंद्र की स्थापना की गई है जिसमें अवैध शराब से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है और सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाता है। जन चेतना जागृत करने के लिए गांव से लेकर मुख्यालयों तक सरकारी गैर सरकारी तंत्र के द्वारा लोक जागरण अभियान चलाया जाना, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाना इत्यादि ऐसे काम है। शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा में बहुत कमी आई है। वर्ष 1916 में जो महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा 54% थी, अब वो मात्र घटकर 5% रह गई है, 5% 54% से 5% थी। इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है और माइक्रो लेवल पर अगर देखें तो शराब के भंडारण, वितरण, उपयोग, उपभोग आदि की सटीक आसूचना संकलन एवं तदनुसार अविलंब कार्रवाई करने हेतु मद्य निषेध आसूचना केंद्र का गठन मार्च 2018 में किया गया। इस केंद्र में भयमुक्त सूचना देने हेतु सूचक के नाम को गुप्त रखने का प्रावधान है और ये काफी प्रभावी हुआ है। गठन के पश्चात अब तक की अवधि में लगभग 29,565 सूचनाएं या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसमें से 29,456 शिकायतों का या सूचनाओं का निष्पादन किया जा चुका है। इसके माध्यम से 2,668 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 1,18,000 से अधिक लीटर शराब और भारी संख्या में ताड़ी, महुआ और भारी मात्रा में गांजा की भी बरामद की हुई है। किसी भी जिले से शराब के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु हर जिले में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक उसकी आसूचना संकलन की इकाई अलग है, छापामारी दल अलग है, अनुसंधान करने के लिए दल अलग है और स्पीडी ट्रायल के लिए अलग उसकी इकाई बनी है। डीजी सेल से भी बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, उसको भी आवश्यक कार्रवाई के लिए मद्य निषेध विभाग को भेजा जाता है। और आपको जानकर एक प्रसन्नता होगी कि अभी तक शराबबंदी लागू होने के बाद से 2,14,060 केसेज दर्ज हुए हैं, टोटल अरेस्ट 2,55,596, इसमें से 3,000 से ऐसे अधिक ऐसे लोग हैं, 3,000 के आसपास, जो राज्य के बाहर के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जो इस रैकेट में काम करते हैं। टोटल रिकवरी अमेजिंग 88,56,287 लीटर दारू की अब तक रिकवरी हुई है, 30,695 गाड़ियों को जब्त किया गया है, उसमें करीब
6000 के आसपास 5700 से अधिक गाड़ियों को राज्य साफ कर लिया गया है, बाकी की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार से शराबबंदी के सरकार के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है और कानून को चुनौती देने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग रहते ही हैं, उनके खिलाफ सरकार का संकल्प है सख्ती से पेश आया जाए। ये बात नीचे तक पहुंचाई जा रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। कानून का सम्मान नहीं करने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस विभाग में और एक्साइज में भी कार्रवाई हो रही है। 418 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, प्रोसीडिंग हुआ है। 71 पुलिस कर्मी डिसमिस हुए शराब के धंधे में, जिनकी लापरवाही पाई गई या संलिप्तता पाई गई। 53 पुलिस ऑफिसर्स